आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। आज दिन में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता को आप तक आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त जो हम वीडियो इस वक्त बना रहे हैं, जो आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं, एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी टैक्स किन लोगों को देना है, किन लोगों को नहीं देना है, कैसे देना है, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का हमारा पहला सवाल था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नहीं देना होगा। तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का जवाब था कि जो भी लोग 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आते हैं उन लोगों को देना ही देना है प्रॉपर्टी टैक्स, और जो 2000 से नीचे आते हैं यानी 1000 के अंदर आते हैं उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। अब ये जो 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आते हैं इन लोगों को कितना देना है? उन लोगों को 300 से लेकर 500 तक का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल था कि म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो आते हैं उसके अंदर बीपीएल राशन कार्ड वाले, एएवाई वाले, जो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्या इन लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा? तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का कहना है कि चाहे वो बीपीएल वाला हो, चाहे वो एएवाई वाला हो, कोई भी हो, उसको प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना ही करना है। शर्त मगर इतनी है कि वो 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आता है या 1000 स्क्वायर फीट के नीचे आता है, जो भी 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर आता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना ही करना है। उसके बाद जो 1000 से नीचे आता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं करना है। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल रहा डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से, क्या प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कमेटी के आते के अंदर जो आते हैं क्या ये सिर्फ उन लोगों को अदा करना है या जो हमारे बाकी जो देहात के इलाके हैं क्या उन लोगों को भी अदा करना है? तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का जवाब था कि ये सिर्फ उन लोगों को अदा करना है जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आते हैं, जो हमारे बाकी जो एरियाज हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो हमने कहा कि एक म्युनिसिपल काउंसिल होता है, दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो सिस्टम बनाया जाएगा क्या कॉरपोरेशन के अंदर भी उसी तरीके का टैक्स अदा करना होगा या म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो लोग आते हैं क्या उन लोगों को भी इसका टैक्स बराबर का देना होगा? तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का कहना था कि ये सिर्फ जो काउंसिल होता है उसको अलग और जो कॉरपोरेशन होता है उसका अलग, क्योंकि डेवलपमेंटल के लिहाज से इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से एक और सवाल किया। हमने कहा कि जो इंस्टॉलमेंट है, जो आपने टैक्स अदा करना है, जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है, ये किस तरीके से आप करेंगे? क्या आप इसमें इंस्टॉलमेंट में लेंगे या वन टाइम में लेंगे? तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का कहना था कि ये जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स होगा ये साल में दो बार लिया जाएगा, दो बार इन द सेंस कि 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर्स पे लिया जाएगा। तो ये कुछ तरीके से हमने उसको पूरे इस वीडियो को खंगाला और आप तक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अब आप तैयार रहें प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए, और जिस तरीके से सरकार जो इंप्लीमेंट्स ऑर्डर्स पे ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किस हद तक सही है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर अपनी राय रखेंगे क्या ये सही है या प्रॉपर्टी टैक्स लेना, और क्या आप देने के लिए तैयार हैं? आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे या नहीं देंगे, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।